नमस्ते, मैं संजीत कुमार दास उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरा एक प्रॉब्लम था, तो मेरा बार बार फॉल्टनेस गैस हो रहा था, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गया। मेरा वो टेस्ट भी किया, टेस्ट में रिपोर्ट आया मेरा लिवर का बिलीरुबिन बढ़ गया था, SGOT SGPT बढ़ गया था, लिवर में फैट भी बढ़ गया था, फैटी लिवर। तो इसलिए डॉक्टर मुझे दवाई दिया, सुबह से खाली पेट, सुबह शाम को दिन में दो बार गैस का टैबलेट दिए थे, उसका साथ लिवर टॉनिक भी दिए थे। वो फैटी लिवर के लिए वो कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए वो भी एक गोली रात में खाने के लिए दिए थे। वो मैं लिया, पंद्रह दिन लिया था, लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। वो हर पाँच मिनट में दो तीन गैस आ रहा था। वो गैस रिलीज नहीं होगा तो वो पेट फूल गया था, मेरा चेस्ट पेन हो रहा था, बेली पेन हो रहा था। तो 15 दिन का बाद में गोविंद भाई का मुझे नंबर मिला, मैं उसका साथ बात किया। तो गोविंद सर मुझे दो नुस्खे बताया। सर बोले थे एक नुस्खा, एक काम कीजिए, हर दिन 15 से 20 तुलसी पत्ता को आधा चम्मच धनिया का साथ एक गिलास पानी में उबाल कर वो एक चौथाई होने का बाद उसको नींबू का रस में मिला के दिन में दो बार पीने के लिए। और एक नुस्खा वो एक लिवर टॉनिक का सिरप बोले थे, लीव टी सिरप, को दिन में चार बार खा लीजिए, हर चार घंटा में दो चम्मच खाने के लिए बोले थे। मैं ये दो नुस्खा गोविंद भाई का 4 दिन में पालन किया। 4 दिन में 95% मुझे छुटकारा मिला इस प्रॉब्लम से। लेकिन जो एलोपैथिक दवाई से 15 दिन से जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था एलोपैथिक से, वो गोविंद भाई का सिर्फ दो नुस्खे से वो 95% छुटकारा मिला। इसलिए गोविंद भाई को बहुत सारा धन्यवाद। नमस्ते।